हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर सास बहू की देसी रसोई। आज हम पालक पनीर बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने आधा किलो पालक ली है। पालक को हमने अच्छे से धो लिया है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, तो हमें 3 से 4 बार इसे अच्छे से धोना चाहिए। 200 ग्राम हमने पनीर लिया है। हरा धनिया, बेसन, आधा बाउल मलाई ली है, 3 टमाटर लिए हैं। मसाले हमने लाल मिर्च, नमक, कोरिएंडर पाउडर और हल्दी ली है। अब चलिए हम पालक को सबसे पहले उबालते हैं। उबालने के लिए हम इसमें कुकर में 1 गिलास पानी डालेंगे और अब इसमें हम पालक को डालेंगे। हमने सारी पालक कुकर में डाल ली है। अब हम ढक्कन लगाएंगे और 1 विसल आने पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। विसल हमारी आने वाली है। विसल आते ही हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। हमने पालक को कुकर से निकाल लिया है और इसे अच्छे से छान लिया है, स्ट्रेन कर लिया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, देखिए पानी हमने इसका अच्छे से स्ट्रेन कर दिया है। अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। हम इसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। एकदम से हमें इसे नहीं पीसना है और इसे चेक करते रहेंगे। देखिए हमारी पालक पीस चुकी है। इस तरह से इसका टेक्सचर होगा। गैस हमने ऑन कर लिया है। अब इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसमें हम 1 चम्मच बेसन ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हिलाएंगे। तब तक हिलाते रहेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। बेसन हमारा सिकने लग गया है, इसलिए हमने गैस को बंद कर दिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हमने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच धनिया और अब हम इसे मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है, चला ऑन कर लिया है गैस को और लो रखा है फ्लेम इसका। अब हम इसमें जो हमने टमाटर तेल लिए थे, हमने उसे पीस लिया है और हमने उसे इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। टमाटर यहाँ पर सिकने लगा है हल्का हल्का। अब हम इसमें मलाई ऐड करेंगे जो कि हमने 1/2 बाउल ली थी और इसे मिक्स करेंगे। मलाई डालने के बाद हमें 5 मिनट इसे सेकना है अच्छे से। मसाला हमारा बनके तैयार हो चुका है। हमने लो आंच पर इसे लगा रखा था, लो फ्लेम पर हमने पूरी ग्रेवी को रेडी किया है। अब हम इसमें पालक को ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। पालक हमारी मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें नमक को ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए प्लेट कढ़ाई पर प्लेट रखकर ढक देंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा घी ऊपर आने लग गया है, नहीं आया है। हमने 10 मिनट तक इसे इसी तरह से रखा था और चेक करते रहे थे कि हमारी पालक में सही से बन रही है, नहीं बन रही। देखिए दोस्तों घी आ गया है ऊपर। अब हम इसे इसमें पनीर ऐड करेंगे। इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट तक इस पर प्लेट ढक के रख देंगे ताकि जो पनीर है वो भी हमारा मसालों को एब्जॉर्ब कर ले। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और ढक्कन हटाएंगे इसका। सब्जी दोस्तों हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारी पालक पनीर की सब्जी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे हल्का सा
और पनीर को क्रश करके हम इसमें गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे और धनिया ऊपर डालेंगे। देखिए हमारी पालक पनीर की सब्जी रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।